हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज की वीडियो में बात करेंगे पनामा समस्या को लेकर। आजकल काफी लोगों को पनामा से डिपोर्ट किया जा रहा है, इसका कौन सा कारण है? ये एक बड़ी समस्या बन गई है। जो लोग वाया मैक्सिको यूएसए में एंट्री करना चाहते हैं, समस्या क्या है? समस्या ये है कि पहले लोग क्या करते थे, इंडिया से इस्तांबुल, इस्तांबुल से वाया पनामा सिटी एल सेल्वाडोर चले जाते थे। ये सबसे ईजी वे माना जाता था बाय एयर एल सेल्वाडोर जाने के लिए। पहले क्या था, वहां पर ट्रांजिट वीजा की मांग नहीं की जाती थी इंडियन से, लेकिन अभी ट्रांजिट वीजा के नाम पर वहां पर खासकर इंडियन को रोका जाता है। और जो लोग इमिग्रेशन के क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं दे पाते और जिसके पास ट्रांजिट वीजा नहीं होता या जिसके पास कोई सेंगन वीजा नहीं है, तो उनको पनामा से डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका कोई एजेंट, जिस एजेंट के माध्यम से आप जा रहे हैं मैक्सिको या एल सेल्वाडोर, तो पहले ये क्लियर कीजिए कि आपको वो कहाँ से भेजेगा। अगर वो आपको इंडिया से इस्तांबुल, इस्तांबुल से कह रहा है कि मैं आपको वाया पनामा सिटी एल सेल्वाडोर भेजने वाला हूँ, तो आप पनामा से ही वापस आने वाले हैं। आने की संभावना 100% है आपकी। आपकी संभावना क्या है, 100% है। तो इस बात का ध्यान रखिए और अपना समय खराब मत कीजिए, अपना समय और पैसे दोनों ही बचाइए। क्योंकि अभी तक जो काफ़ी सारे लोग हैं, उनको इस बात का पता नहीं कि पनामा ने एक लिस्ट जारी की है, जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, कि इन कंट्री के लोगों को पनामा सिटी में अब ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है। ट्रांजिट वीज़ा किस किन लोगों को जरूरत नहीं है, जिनके पास पास सेंजन कंट्री का किसी का भी वीज़ा है तो उनको जरूरत नहीं है। किसी के पास अगर यूके का वीज़ा है तो उसको, उस इंडियन को भी क्या है, पनामा सिटी में ट्रांजिट वीज़ा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट है, बिल्कुल फ्रेश है और उस पर कोई बड़ी कंट्री, जैसे मैंने बताया सेंजन कंट्री और यूके का वीज़ा नहीं है, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है, तो आपको पनामा में ही रोक लिया जाएगा और वहां से आपको क्या कर दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को अभी पनामा से डिपोर्ट किया गया है, तो इसीलिए आप अपनी यात्रा शुरू करने से पहले कन्फर्म कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका जो है ट्रांजिट है वाया पनामा ना हो। और कोई कई तरह के रास्ते हैं और भी काफ़ी रूट्स हैं जहाँ से लोग जा रहे हैं, तो आप भी अपने जिसके माध्यम से भी आप जा रहे हैं उनसे इस बात पर डिस्कस कर लें कि पहले देखिए। आप ऐसे ही नहीं कि आप जोश में मत आइए, आप क्या करते हैं, आप जोश में आ जाते हैं और बस जैसे आपने किसी को एजेंट को पासपोर्ट दिया, एजेंट आपको चाहे कहीं से भी भेजे, आपको इस बात का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी एजेंट को पासपोर्ट दें और पासपोर्ट दे और उसके आपके पास जो टिकट आ रही है उससे पहले कंफर्म कर ले कि मेरा रूट क्या है, उस रूट के ऊपर कुछ रिसर्च कर लें। विदाउट रिसर्च किसी भी रूट पर अपनी यात्रा शुरू ना करें, कहीं भी आप जाकर फंस सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो कुछ लोग हैं दुबई में फंस जाते हैं, कुछ इस्तांबुल में फंस जाते हैं जाकर, कुछ को क्या है ओमान में, कई लोग मेडागास्कर में, काफ़ी जगह हैं, है ना, कुछ पोर्ट ऑफ स्पेन में काफ़ी जगह हैं जहां पर लोग अटक जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो आप अपने एजेंट से पहले ही कंफर्म कीजिए कि किसी तरह की समस्या आपको पैदा ना हो। तो पनामा सिटी से आप जाने का अगर आपका प्लान है, तो अभी आपको वहां के ट्रांजिट वीज़ा की जरूरत है। पहले ट्रांजिट वीज़ा लीजिए, अगर आप वहां से जा रहे हैं तो आप कम से कम एटलीस्ट वहां का ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं, तभी आप पनामा सिटी के थ्रू आप एल सेल्वाडोर जाएं। ठीक है, तो इस वीडियो का यही उद्देश्य था कि आप लोग निकल जाते हैं बिना किसी विशेष रिसर्च और जानकारी के। हमारा उद्देश्य यही है कि आप कहीं फंसे ना, बस, है ना, हम यही चाहते हैं कि आप कहीं बीच में रास्ते में ना फंसे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई दोस्त है जो बीच रास्ते में कहीं फंस गया है, चाहे वो एल सेल्वाडोर हो, ग्वाटेमाला हो या मैक्सिको में कहीं फंस गया है, तो आप दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमसे जो हेल्प होगी आपको गाइड कर पाएंगे, ज़रूर करेंगे। और आपको वहाँ पर कोई अच्छा पर्सन जो आपको गाइड करवा सकता है, कर सकता है, वो आपको वहाँ से उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको हम दे देंगे। तो आप फंसिए मत अपनी जान की और अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपनी यात्रा को शुरू कीजिए और पनामा की समस्या को पहले जान लीजिए। विदाउट पूरी समस्या को जाने ऐसे ही घर से मत निकलिए।